नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है टेक्निकल गुरु इंजीनियर्स क्लासेस में। मैं रोहित सर, आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेंथ टेस्ट यानी सामर्थ्य परीक्षण सीमेंट का। ठीक है, आइए चलते देखते हैं, आज पढ़ते हैं हम स्ट्रेंथ टेस्ट। ठीक है, सामर्थ्य परीक्षण, स्ट्रेंथ टेस्ट, सामर्थ्य परीक्षण, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि सीमेंट में हमेशा मेजर किया जाता है। ठीक है, कौन सा टेस्ट मेजर किया जाता है वो भी देख लेते हैं। स्ट्रेंथ टेस्ट में भी दो टाइप के स्ट्रेंथ टेस्ट होते हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं दोनों में से कौन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट होता है, ये फर्स्ट हमारा टेस्ट होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के नाम से जानते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। इसको हिंदी में दोस्तों हम संपीड़न सामर्थ्य परीक्षण के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? संपीड़न सामर्थ्य परीक्षण। कंप्रेशन का मतलब होता ही क्या है? कंप्रेशन का मतलब होता ही यही है कि दबाना, किसी चीज को कंप्रेस करना, संपीड़न करना, समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि हमारा मार्कर है, तो इसको क्या कर रहे हैं? हम दबा रहे हैं इसको, इसको दोनों तरफ से हम क्या कर रहे हैं? इसको दबा रहे हैं, प्रेशर इस पर लगा रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया? इसको कंप्रेशन बोलेंगे। कंप्रेशन यानी संपीडन, मतलब इसको हम कंप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं। ठीक है, कंप्रेशन का मतलब ही यही होता है कि संपीडन, दबाना। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा कंप्रेशन टेस्ट। ठीक है, इसको हिंदी में हम बोलेंगे संपीडन सामर्थ्य परीक्षण। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, इसको हिंदी में हम संपीडन सामर्थ्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसका देखिए कोड भी प्रेफर करता है जो है कि इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, तो इंडियन स्टैंडर्ड कौन सा कोड प्रेफर करता है, आइए देख लेते हैं, IS 4031 Part 6 1988। ठीक है, ये हमारा क्या है? कोड है, जो कोड जो मैं कि प्रेफर करता है इंडियन स्टैंडर्ड हमारा। ठीक है, कोड के रिफरेंस से इसको क्या करते हैं, इस टेस्ट को हम करते हैं। ठीक है, कोड के रिफरेंस से इसको करते हैं, मतलब इसमें स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हर चीज़ क्या हम रखते हैं जो कि इस टेस्ट के अंदर। ठीक है, और हर एक सीमेंट का अलग अलग कंप्रेशन टेस्ट होता है और अलग अलग वैल्यू भी होता है। ठीक है, मतलब वैल्यू अलग अलग होता है। जब इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट हम निकालते हैं इसमें, तो क्या होता है, वैल्यू सबका अलग अलग आएगा। ठीक है, तो आगे चल के हम वैल्यू भी देखेंगे कौन से सीमेंट का क्या वैल्यू होता है। ठीक है, तो ये हमारा कोड होता है, इस कोड को जो मैं कि आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि जो मैं कि प्रीवियस ईयर में जो कि ये पूछा भी है, और जो मैं कि आगे भी कोड क्या कर लेता है हमारे पेपर को कम्पीट, जो मैं कि थोड़ा वो मतलब लिंदी बनाने के लिए कह सकते हैं या तो टफ बनाने के लिए कह सकते हैं, कुछ भी जो है। ठीक है, क्या करता है, कोड हमारा डाल देता है। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट से सिविल इंजीनियरिंग के हमारे कोड मतलब डाल देता है। जैसे सॉइल का ही है तो सॉइल का भी डाल सकता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमारा। ठीक है, कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कौन किस कोड के अकॉर्डिंग जो है कि हम इसको प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो आप लोग को पता रहेगा तो सीधा आप बता देंगे कि 4031 Part 6 1988 हमारा ये होता है। ठीक है, इसमें भी पार्ट देखिए, पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। ठीक है, पार्ट भी हमारा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि हर एक पार्ट में अलग अलग टेस्ट होता है दोस्त। ठीक है, हर एक पार्ट में अलग अलग टेस्ट होता है दोस्तों, इसलिए टेस्ट को हम इसको पार्ट के साथ साथ इसको याद करना जरूरी होता है। जिसका जो मैं कि IAS इसका मतलब याद कर लीजिएगा, IAS 4031 Part 6 1988। ठीक है, इसका एक कोड होता है जो कि इम्पॉर्टेंट टेस्ट भी होता है, कोड भी इम्पॉर्टेंट इसका हो गया। ठीक है, सीमेंट के पर्पज से करना क्या बहुत जरूरी होता है। ठीक है, और हमारा सेकेंड क्या होता है, आइए चलते हैं आगे देखते हैं सेकेंड हमारा क्या होता है टेस्ट में। सेकेंड जो इसमें होता है स्ट्रेंथ टेस्ट में हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट होता है। हमारा कौन सा होता है? टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट होता है हमारा सेकेंड। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट को हम हिंदी में तनन सामर्थ्य परीक्षण के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? तनन सामर्थ्य परीक्षण के नाम से जानते हैं। ये उतना हमारा इंपॉर्टेंट टेस्ट नहीं होता है। ठीक है, जो हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट होता है इतना इंपॉर्टेंट टेस्ट नहीं होता है। इसको IAS कोड इस समय प्रेफर भी करना बंद कर दिए। ठीक है, तो आगे चल के इसमें मतलब डिटेल में आगे चढ़ के पढ़ेंगे इसको। ठीक है, कि मतलब कैसे कैसे मतलब टेस्ट होता है, इसका अपरेटस क्या होता है, किस अपरेटस से करते हैं। ठीक है, तो हर चीज़ आगे हम चल के पढ़ेंगे। ठीक है, इसको आप
नोट कर लीजिए, ठीक है, और हेडिंग डाल लीजिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं, स्ट्रेंथ टेस्ट को रफ कर दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद तुरंत हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। पहले दोनों को आप लिख लीजिए, इसके बाद कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट हम करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलते हैं, इसको हम रफ कर दे रहे हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट को, जिसको हम हिंदी में तनन सामर्थ्य परीक्षण के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट हमारा उतना मान्य नहीं रखता है, ठीक है, मगर हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण हो जाता है, इसका वैल्यू भी पूछता है, आप इसको इंपॉर्टेंट के श्रेणी में डाल लीजिएगा आप लोग, ठीक है, लिख लीजिएगा कि इम्पोर्टेंट, ठीक है, किसका वैल्यू भी पूछ लेता है कि मतलब कौन से सीमेंट का कितना हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वैल्यू होता है, ठीक है। तो आइए चलते हैं आगे, देखते हैं कि इस मतलब इस टेस्ट को हम करते हैं तो इसका टेस्ट को करते हैं तो इसका रेशियो हम क्या रखते हैं, ठीक है, इस टेस्ट को हम करते हैं तो इसका रेशियो क्या रखते हैं, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में, तो इसका रेशियो हम रखते हैं क्या, 1:1:3 रखते हैं हम इसका, ठीक है, रेशियो क्या रखते हैं इसमें लिख लेते हैं, इसका रेशियो जो होता है हम रखते हैं, इसका रेशियो 1:3, मतलब इसका रेशियो हम रखते हैं 1:3 का रेशियो रखते हैं, ठीक है, 1:3 का हम रेशियो रखते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, हमारा 1 क्या होता है और 3 क्या होता है, इसको भी जानना जरूरी है, ठीक है, इसको भी जानना हमारा जरूरी है, ठीक है। तो 1 जो होता है, 1 हमारा सीमेंट होता है, आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है, कि ये सीमेंट हो गया, और 3 जो हमारा होता है, 3 क्या होता है हमारा, ये सैंड होता है, क्या होता है हमारा, ये सैंड होता है, ठीक है ना, ये हमारा सीमेंट हो गया, ये हमारा सैंड हो गया, ठीक है। तो 1:3 का हम रेशियो लेके चलते हैं, ठीक है, 1:3 का रेशियो हम लेके चलते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में, ठीक है। आइए देखते हैं आगे, ठीक है, तो आगे इसमें वाटर कितना ऐड करते हैं, ये भी जो मैं कि एक इंडियन स्टैंडर्ड के इंडियन स्टैंडर्ड जो हमारा कोड है जिसको प्रेफर कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग वाटर का भी एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, क्वांटिटी क्या मतलब इसको वाटर का मतलब कितना स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेंगे, ठीक है। तो इसका एक छोटा सा फार्मूला होता है, ठीक है, जिसके तहत हम क्या करते हैं लेते हैं, ठीक है। तो ये होता है P by 4 plus 3.5, ये हमारा क्या होता है, इतना हम वाटर लेते हैं, क्या लेते हैं, वाटर इतना हम लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग वाटर हम लेते हैं, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग लेते हैं, P by 4 plus 3.5 के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम वाटर को लेते हैं, ठीक है, वाटर को लेते हैं। ये होता है किसमें, ये परसेंटेज में होता है, पी हमारा क्या होता है, पी हमारा क्या होता है, मैं पहले पढ़ाया हूँ जो कि पी हमारा क्या होता है, पी जो हमारा है वो क्या होता है बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट है कि पी इसमें अगर फार्मूला में दिया है तो पी हमारा क्या है, कैपिटल पी में क्या बताया था, कैपिटल पी हमारा होता है स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, ठीक है, तो इसको आप लिख लेंगे यहाँ पे, या तो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, ठीक है, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी हमारा क्या होता है, कैपिटल पी होता है हमारा, ठीक है। इतना वाटर हम लेते हैं तो P by 4 plus 3.5 आसानी से इसको निकाल लेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, हम वाटर ऐड कर लेते हैं, ठीक है,
क्या करते हैं वाटर हम इसमें ऐड कर लेते हैं, ठीक है। और इसका देख लेंगे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट कि इसका मोल्ड का साइज़ क्या होता है, जिस मोल्ड से हम बनाएंगे उसका साइज़ क्या होता है, हमारे मोल्ड का साइज़ क्या होता है, ठीक है। तो मोल्ड का साइज़ भी देख लेंगे, हमारा मोल्ड का साइज़ हमारा क्या होता है, 70.6 mm लेते हैं, 70.6 mm लेते हैं। मोल्ड की साइज़ कितना लेते हैं, 70.6 mm लेते हैं। अगर इसको सेंटीमीटर में लेंगे तो कितना हो जाएगा, 7.06 हो जाएगा, इसको सेंटीमीटर में आप लोग अगर कन्वर्ट करेंगे तो, ठीक है। 70.6 mm लेते हैं या 7.06 सेंटीमीटर लेते हैं, ये हमारा क्या होता है, मोल्ड का साइज होता है हमारा, ठीक है। क्या होता है हमारा, मोल्ड का साइज होता है, क्यूब होता है ना, क्यूब हमारा, ठीक है। तो ये वही होता है क्यूब का, उनका सिंगल मतलब एक तरफ का जो में कि जो मेजरमेंट करेंगे तो हमारा क्या होगा, इतना इसका साइज हो जाएगा, ठीक है। आ इसका सरफेस एरिया कितना रखते हैं हम, सरफेस एरिया इसका हम रख देंगे 50 cm². सरफेस एरिया कितना रखेंगे, 50 cm² क्या होता हमारा, ये सरफेस एरिया होता है, ये सिंगल साइड का होता है, सिंगल साइड मोल्ड साइज, ठीक है। ठीक है, मोल्ड साइज इसको क्या बोलते हैं, क्यूब ही तो होगा ये, क्यूब होता है, सरफेस एरिया इसका 50 cm² होता है, ठीक है। इतना क्या होता है हमारा मोल्ड, मोल्ड को क्या बोलेंगे, क्यूब, क्यूब क्यूब की साइज हमारा होता है, सिंगल साइज क्यूब, ठीक है, क्यूब हो गया हमारा ये, ठीक है। इतना साइज इसका हो गया, सरफेस एरिया इसका हो गया, वाटर हम इतना ले लिए, रेशियो हम इतना ले लिए, ठीक है। और आईएस के अकॉर्डिंग इतना मतलब 4031.6/19.88 के अकॉर्डिंग लेते हैं, ठीक है, ठीक है ना। अब इसमें हम देखिए आइए, मतलब जब हम कर रहे हैं टेस्ट कर रहे हैं तो इसका क्वांटिटी मतलब कितना लेते हैं, ठीक है। तो सीमेंट हम कितना लेंगे आइए देख लेते हैं, सीमेंट कितना लेते हैं, 185 ग्राम हम क्या लेते हैं, सीमेंट लेते हैं। सीमेंट जो हमारा हो गया 185 ग्राम क्या लेते हैं, सीमेंट लेते हैं, ठीक है। इतना ग्राम हम सीमेंट लेते हैं, ठीक है, 185 ग्राम सीमेंट लेते हैं, ठीक है। और सैंड कितना लेंगे आइए देख लेते हैं, सैंड कितना लेते हैं, जो हमारा सैंड है 555 ग्राम हो जाता है, ठीक है। 555 ग्राम क्या होता है हमारा, सैंड हो गया, ठीक है, 555 ग्राम हमारा सैंड हो गया, 185 ग्राम सीमेंट हो गया, ठीक है। और जो मैं कि जो वाटर लेते हैं पी स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी आप लोगों को बता ही दिए हैं कि कैसे मतलब फाइंड करेंगे इसको, ठीक है। तो इतना चीज़ मटेरियल ले लिए, अब आगे चलिए आगे देखते हैं कि आगे हमारा क्या प्रोसीजर होता है। चलिए आगे देख लेते हैं कि आगे हमारा क्या प्रोसीजर होता है, ठीक है। इसमें एक लाइन लिख लीजिए, बल्कि एक लाइन लिख लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ, एक लाइन लिख लीजिए क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। लिखे रहेंगे तो आपको सही रहेगा, और ये चीज़ मैं बताई दी है इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो इसमें लिख लीजिए, मोल्ड को सीमेंट पेस्ट से भरा जाता है। अब इसमें मैं क्या लिखूँ बोर्ड पर, आप लोग लिख लीजिए, बता दे रहे हैं एक लाइन, मोल्ड को सीमेंट पेस्ट भरते हैं। जैसी बात है कि जब हम टेस्ट करेंगे तो क्यूब को क्या करेंगे, सीमेंट पेस्ट भरेंगे उसको हम, ठीक है, क्या करेंगे, सीमेंट पेस्ट भरेंगे, सीमेंट पेस्ट क्यूब को क्या करते हैं, फिल करते हैं,
ठीक है, 7+3 क्यूब क्या करेंगे, फिल करेंगे हम, मतलब भरेंगे। मोल्ड को सीमेंट पेस्ट से भरा जाता है तथा 2 मिनट के लिए उसके अंदर वाइब्रेशन कंपन दिया जाता है। ठीक है, 2 मिनट क्या करते हैं, कंपन हम करते हैं। ठीक है, 2 मिनट क्या करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं। क्या करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं हम, 2 मिनट कंपन करते हैं। ठीक है, 2 मिनट हम वाइब्रेशन करते हैं। ठीक है, कंपन दिया जाता है। इसके बाद मोल्ड को 24 घंटे के लिए क्या रख दिया जाता है। ठीक है, मोल्ड को 24 घंटे के लिए हम पानी में रख देंगे। ठीक है, 2 मिनट के लिए हम वाइब्रेशन कर लेंगे ताकि जो हमारा एयर वाइट्स हो क्या रिमूव हो जाए। ठीक है, जब एयर वाइट्स रिमूव हो जाएगा हमारा तो हम 24 आवर के लिए क्या करते हैं, 24 आवर के लिए इसको रख देते हैं। ठीक है, पानी में रख देते हैं, एक जो है कि पानी का टब होगा, पानी के टब में रख देते हैं, वाटर टब में। ठीक है, वाटर टब में रख देते हैं हम इसको, वाटर टब में हम इसको रख देते हैं। ठीक है, इसको हम वाटर टब में रख देते हैं पानी के। ठीक है, पानी का वाटर टब में 24 घंटे के लिए रख लेंगे। ठीक है, इसके बाद निकालेंगे। ठीक है, इसके बाद निकालेंगे। ठीक है, तो फिर क्यूब इसमें एक लाइन लिख लीजिए, बल्कि एक लाइन इसमें भी लिख लीजिए। ठीक है, कि क्यूब बनाने के बाद उस पर लोड अप्लाई किया जाता है जो कि शून्य से चालू होता है। ठीक है, जब इसको बना लेंगे 24 घंटे बाद जब निकालेंगे तो इस पर लोड अप्लाई करते हैं, जो लोड क्या होता है हमारा, शून्य से स्टार्ट होता है। मशीन होता है कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन होता है, इसके मशीन का भी नाम क्या होता है, कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन ही होता है। ठीक है, कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन इसका होता है। ठीक है, एक डिजिटली मशीन भी होता है, ऐसे फिजिकली मशीन भी होता है, मतलब हम क्या करेंगे, फिजिकली भी इसको टेस्ट कर सकते हैं, जो मैं कि हाथ से अपने, और डिजिटल में क्या करना है, दो प्लेट होता है उसको। ठीक है, दो प्लेट होता है, दो प्लेट के जो मैं कि नीचे क्या करेंगे, मोल्ड को रख देंगे क्यूब को, और क्यूब को तोड़ते हैं, लोड अप्लाई करते हैं, देखते हैं कि हमारा कितना लोड वो बियर कर रहा है हमारा क्यूब। ठीक है, तो उतना क्या हो जाएगा हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकल के, हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वैल्यू निकल के हमारी आ जाती है। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वैल्यू हमारी क्या होगी, निकल के आ जाएगी जब लोड अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसको एग्जैक्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, छोटा सा फार्मूला इसमें लिख लीजिए, क्रशिंग लोड अपॉन एरिया होता है, क्या होता है, क्रशिंग लोड अपन एरिया हो जाएगा हमारा ये। ठीक है, इसको लिख लीजिए, इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, क्या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वैल्यू निकाल लेंगे इसका, हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वैल्यू हमारी आ जाएगी। ठीक है, जो ये है ऊपर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वैल्यू आ जाएगी, क्रशिंग लोड अपॉन एरिया लिख ही दे रहा हूं। क्या होगी, यहां से वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वैल्यू निकल के यहां पे आ जाएगी हमारा। ठीक है, इसको राइट डाउन कर लीजिए। और लोड हम रेट ऑफ लोडिंग जो हमारा होता है वो कितना हमारा होता है, मतलब जो उस पर हम लोड लगाते हैं तो वो कितना होता है। ठीक है, आइए इसको देख लेते हैं। 35 न्यूटन/mm² / मिनट होता है, 35
35 mm स्क्वायर, ठीक है। पैंतीस न्यूटन पर एमएम स्क्वायर पर मिनट्स, ठीक है। ये हम क्या करते हैं, इसका हम ये रेट ऑफ लोडिंग लगाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, हम रेट ऑफ लोडिंग लगाते हैं। रेट ऑफ लोडिंग इतना हम देते हैं इसको, कितना 35 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर पर मिनट, मतलब एक मिनट में 35 न्यूटन एमएम, ठीक है, 35 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर लोड हम लगाते हैं, ठीक है। कितना लगाते हैं, 35 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर एक मिनट में, पर मिनट, यानी एक मिनट का लोड क्या होता हमारा, इतना लगाते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, 35 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर एक मिनट का लोड हम लगाते हैं, मतलब पर मिनट में 35 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर पर मिनट, ठीक है। लोड हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, ठीक है, जो कि शून्य से चालू होता है, ठीक है। और इतना हम लोड एक मिनट का लोड इतना लगाते हैं और देखते हैं कि कितना लोड हमारा बियर कर रहा है, क्यूब जो हम क्यूब बनाए रहते हैं, कितना एमएम लोड बियर कर रहा है, ठीक है। एक लाइन और लिख लीजिए कि कितना क्यूब इसमें हम बनाते हैं, इसमें तीन क्यूब बनाते हैं हम, लिख लीजिए, इस टेस्ट के अंदर तीन क्यूब की स्ट्रेंथ निकाली जाती है, कितने की, तीन क्यूब की स्ट्रेंथ निकाली जाती है, और तीन क्यूब ही हम बनाते हैं, मिनिमम तीन क्यूब बना लेंगे, ठीक है। इस टेस्ट के अंदर तीन क्यूब की स्ट्रेंथ निकाली जाती है, ठीक है, तथा उन तीनों का एवरेज ही सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, तथा उन तीनों का एवरेज ही सीमेंट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वैल्यू होती है, ठीक है। उन तीनों का एवरेज, तीन क्यूब हम बनाएंगे इस टेस्ट, मैं बताया तीन क्यूब बनाएंगे इस टेस्ट के अंदर, ठीक है। तो उन तीनों को मतलब क्या करेंगे, हम उन तीनों को लोड लगा के हम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, इसको तोड़ेंगे, क्रशिंग लोड अपन एरिया, ठीक है। तो इसको क्रॉस करेंगे, ठीक है, क्रॉस करने के बाद क्या करेंगे, तीनों की वैल्यू अलग अलग हम निकाल लेंगे, इसके बाद फिर तीनों का हम एवरेज देख लेंगे, जो एवरेज हमारा आएगा क्या होगी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया, आशा है कि समझ में आ गया होगा, अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि ये चीज़ सर समझ में नहीं आई, उसका तुरंत रिप्लाई किया जाएगा, ठीक है, तुरंत रिप्लाई दिया जाएगा। जो भी समझ में चीज़ें ना आई है, A to Z कुछ भी जो समझ में नहीं आई है, तुरंत हम कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आया, मैं तुरंत उसका रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। पहला जो होता है हमारा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, साधारण पोर्टलैंड सीमेंट, साधारण पोर्टलैंड, साधारण पोर्टलैंड सीमेंट, सीमेंट के नाम से इसको हम जानते हैं, ठीक है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है। इस पहली बार लिख दे रहा हूँ, इसके बाद फिर इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा जाएगा, ठीक है। आइए देख लेते हैं इसका भी कोड क्या करते हैं हम, इसका भी कोड आई इंडियन स्टैंडर्ड जो मैं कि प्रेफर करता है, तो इसका कोड होता है 269/1989 269/1989
IAS इसका कोड होता है, किसका, OPC 33। आप ध्यान से लिख लीजिए, OPC 33 ग्रेड सीमेंट का, ठीक है, ये हमारा कोड होता है। हेडिंग डाल लीजिए ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, साधारण पोर्टलैंड सीमेंट तो लिख दिया हूँ, मगर OPC 33 ग्रेड का हम इसमें लिखेंगे, ठीक है, OPC 33 ग्रेड का हम इसमें लिखेंगे। एक तरह से ये तो जो मैं कि OPC तो जो मैं कि कई हो गया, ठीक है, तो OPC कई हो गया, तो उसको फर्स्ट ना लिखे, फर्स्ट हमारा ये रहेगा, ठीक है, जो कि इसमें कर दे रहे हैं, फर्स्ट हमारा ये रहेगा। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट तो एक तरह से चलिए मान लीजिए हेडिंग हो गया, मगर OPC 33 के इतना होता है और इतना ही, समझ रहे हैं, OPC 33 के IS 269/1989 के अकॉर्डिंग लेते हैं हम, ठीक है, इसमें हम तीन चीज़ लिख लेंगे, ठीक है, तीन चीज़ क्या लिख लेंगे कि तीन दिन का इसमें, 3 डेज का लिख लेंगे, ठीक है, 7 डेज का लिख लेंगे और 28 डेज का लिख लेंगे, क्या, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वैल्यू, ठीक है, इसमें लिख लेंगे यहाँ पर कितना कितना इसका होता है, ठीक है, कितना कितना इस पर इसका वैल्यू हमारी आती है। तो OPC 33 ग्रेड का हम देख लेंगे, इसका होता है 16 हो गया, 22 हो गया और 33 हो गया, ठीक है, ये हमारा 33 हो गया। देखिए इसी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के अकॉर्डिंग भी क्या OPC 33 हम कैटेगराइज भी किए हैं, ठीक है, तो OPC 33 का क्या हो गया, OPC 33 का ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारी वैल्यू आ गई, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब दूसरा हम देख लेंगे, दूसरा हो जाएगा हमारा क्या, OPC 43 ग्रेड, OPC 43 ग्रेड हो जाएगा हमारा, ठीक है, आइए देख लेते हैं इसका वैल्यू हमारा क्या होता है, OPC 43 ग्रेड का हमारा वैल्यू क्या होता है, ठीक है, आ इसको कौन सा IAS के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं हम, ठीक है, 81/112/1989 के अकॉर्डिंग उसको लेते हैं, 81/112/1989 इसका हम IAS कोड लेते हैं, कितना लेते हैं, IAS 81/112 ये तीन है, एक तीन ठो एक है, ठीक है, 81/112 IAS 81/112/1989 के अकॉर्डिंग क्या 43 का हम लेते हैं, 43 का स्ट्रेंथ लेते हैं, ठीक है, इसका कितना होता है, आइए देख लेते हैं इसका कितना होता है, मतलब 3 डेज में 23 आएगा, ठीक है, 3 डेज में हमारा 23 आएगा और 7 डेज में 33 और इसमें 43 आएगा, देखिए 43 लिखा है ना, ये इसी से जो है वो एक तरह से डिफाइन किया गया कह सकते हैं हम लोग, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग क्या डिफाइन किया गया है, ठीक है। अब हमारा आ गया तीसरा, थर्ड जो हमारा क्या हो जाएगा, OPC 53 हो जाएगा ग्रेड, 53 ग्रेड हो जाएगा इसका IAS OPC
53 ग्रेड हो जाएगा। इसका आईएस कोड हमारा हो जाएगा 12269 1987। ये 6 है हमारा। ठीक है, इतना हमारा आईएस होता है। ठीक है, 12269 1987 ये हमारा आईएस है। यस लिखे हैं, देखिएगा समझ में आ रहा है। ठीक है, आईएस 12269 1987। ठीक है, आईएस 12269 1987। आइए देख लेते हैं इसका मतलब क्या वैल्यू आता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का। हमारा इसका वैल्यू क्या आता है, इसका वैल्यू क्या आता हमारा, हमारा रुकिए इसको जो मैं कि ये कोड जो हमारा है 1987 थोड़ा छोटा करके लिख देते हैं। क्या करते हैं, छोटा रहेगा तो ठीक रहेगा, उधर से लिखने में आसानी रहेगा। तो ये होता है 27 37 और 53। ये क्या होता हमारा, इसका हमारा ये आता है 27 37 53 थ्री डेज का हमारा होता है। ठीक है, 27 होता है, 37 होता है, 53 होता है। ठीक है, इसको हम यूनिट तो बता ही दिए हैं, किस में लेते हैं, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में लेते हैं। लिख दें न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में लेते हैं, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में इसको हम लेते हैं। इसका यूनिट ये होता है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये कितना है 16 चाहे 23 चाहे 3 हमारा क्या है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है। ठीक है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है। ठीक है, आगे चलिए आगे देख लेते हैं, चलिए आगे देख लेते हैं, इसको रफ कर दे रहे हैं, इसके बाद आगे देख लेते हैं। आपने इसको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए या तो लिख लीजिए। ठीक है, इसको हम रफ करते हैं। सब रफ कर दे रहे हैं और लिख रहे हैं। ठीक है, ये सब रफ कर दे रहे हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चल रहा है आप लोग को पता ही है, इसको लिखने का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं, बार बार रफ करना पड़ेगा ऐसे एक ही बार में हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब चौथा हम देख लेंगे हमारा चौथा क्या होता है, सल्फेट रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट। फिर रजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट, सीमेंट सल्फेट रजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, सल्फेट रजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट हो जाएगा। ठीक है, इसका आईएस कोड क्या लेते हैं, आइए देख लेते हैं, 12330 1988।
बारह, 331, 19, 88 आगे लिख लेंगे ना। ठीक है, थ्री डेज, 7 डेज और 28 डेज। हम लेते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। हाँ, सभी को किस में लेते हैं? न्यूटन, मैं लिखवाया ही हूँ, किस में लेते हैं? न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में लेते हैं, ठीक है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारा ये होता है, ठीक है। तो आइए इसका देख लेते हैं कितना होता है। इसका होता है हमारा 10, 16 और 33। 28 डेज में क्या होता है हमारा? 33 होता है, ठीक है। 10, 16, 33, ठीक है ना, लिख लीजिए इसको। अब फिर नेक्स्ट अगला चलेंगे, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, ठीक है। आइए देख लेते हैं इसका आईएस कोड क्या होता है। 1489-1991 पार्ट फर्स्ट, 1489-1991 इसका पार्ट क्या होता है? पार्ट फर्स्ट के अकॉर्डिंग इसको हम लेते हैं, पार्ट फर्स्ट के अकॉर्डिंग इसको हम लेते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया 1489-1991 पार्ट फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या इसको हम लेते हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होगा। इसका होगा 16, 22 और 33, ठीक है। इसका हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट हो जाएगा, ठीक है, 16, 22 और 33, ठीक है, इतना हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट अगला सीमेंट देखते हैं, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट 6। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, सीमेंट रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, इसका आईएस कोड कितना लेना है लिख लेते हैं। 1489-1991 इसका, 1489-1991 इसको भी कितना से लेते हैं। इसका कोई ये भी हम क्या करते हैं, सेम वाला जो ऊपर पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट है, ये जो हमारा है पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट का जो कोड है हमारा, ये यही कोड यहाँ भी हमारा सेम होगा, ठीक है। इसको भी पार्ट फर्स्ट के अकॉर्डिंग ही हम
लेते हैं, ठीक है, पार्ट फर्स्ट के अकॉर्डिंग ही इसको भी लेते हैं, ठीक है। 1491 पार्ट फर्स्ट, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इसको भी हम लेते हैं, ठीक है। और इसका कितना होता है 3 डेज में जानते हैं, ये हमारा क्या है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है, ठीक है। इसका 27 आता हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसका हमारा कितना आता है 27 आता है, और ये नहीं रहता है, ठीक है। क्यों नहीं रहता है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है, क्यों, क्योंकि क्या बहुत जल्दी सेट, हमारा सेटिंग टाइम बहुत जल्दी दे देता है, ये हमारा 3 डेज के अंदर ही दे दिया, और 7 डेज 28 डेज का कोई मतलब ही नहीं है कि उसका मतलब हम क्या टेस्ट निकालें, हमको 3 डेज में ही रैपिड मतलब जल्दी हमको स्ट्रेंथ दे दे रहा है, इसका 27 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर हमारा सीमेंट आएगा, ठीक है। इसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट है, ठीक है, 27 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर पर मिनट इसका हम लेंगे, ठीक है ना। ठीक है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है तो क्या करता है, हमारा जल्दी सेटिंग टाइम दे देता है, हमारा क्या करता है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट हमारा जल्दी सेटिंग टाइम दे देता है, ठीक है। अब इसको रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं 7वां के तरफ, ठीक है। रैपिड हार्डनिंग है, जल्दी से सेट हो जाता है, इसलिए क्या देखिए ऊपर का ये मिटा दिया। चलिए अब तो आप लोग जान ही गए, जल्दी से स्ट्रेंथ हमारा ये दे देता है, ठीक है। आप चलेंगे अब 7वां के तरफ, ठीक है। 7वां हमारा क्या हो जाएगा, पोर्टलैंड स्लज सीमेंट, पोर्टलैंड स्लज पोर्टलैंड स्लज सीमेंट हमारा 7वां हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पोर्टलैंड स्लज सीमेंट हो जाएगा, ठीक है। इसका आई एस कोड कितना लेते हैं, आइए देख लेते हैं, 455-1989, इसका आई एस कोड के अकॉर्डिंग हम लेते हैं, ठीक है। ये बना लीजिएगा साड़ी, आप लोग साड़ी ये बना लीजिएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, ठीक है, ये 3 दिन का हो गया, 1 डे का हो गया, ये 28 डेज का हमारा हो गया, ठीक है। तो इसमें लिखिएगा नीचे, ठीक है, इसमें नीचे लिखिएगा क्या होगा हमारा, पोर्टलैंड स्लज सीमेंट आई एस कोड 455-1989 के अकॉर्डिंग इसको हम लेते हैं। ये देख लेते हैं इसका कितना होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इसका होता हमारा 16, 22 और 33 इसका हमारा होता है, 16, 22 और 33 इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारा होता है, ठीक है। ये डेज है, कंफ्यूज मत होइएगा कि क्या लिख दिए, ये डेज है, ठीक है। सोलह बाईस तैंतीस इसका मतलब 3 दिन में 16 और 7 दिन में 22 और 28 दिन में 33 हमारा आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगला चलते हैं, नेक्स्ट अगला देखते हैं
हाई एलुमिना सीमेंट अगला हमारा आठवां, हाई एलुमिना एलुमिना सीमेंट, हाई एलुमिना सीमेंट हमारा आठवां हो जाएगा। इसको लिख लीजिए हाई एलुमिना सीमेंट। इसका आईएस कोड हम लिख लेंगे 6452-1989, 6452-1989 ये हमारा आईएस कोड के अकॉर्डिंग हम इसको ले लेंगे, ठीक है। कितने किसका हाई एलुमिना सीमेंट 6452-1989 आईएस के अकॉर्डिंग, ठीक है। और इसका हाई एलुमिना सीमेंट है ना, तो ये भी क्या करता है हमारा स्ट्रेंथ जल्दी प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। ये भी स्ट्रेंथ क्या करता है हमारा जल्दी प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। मतलब 3 डेज में इसका भी कंप्रेस जो मैं की सेटिंग टाइम आता है, इसके बाद कंप्रेसिव टेस्ट इसका कर लेते हैं, ठीक है। इसका भी स्ट्रेंथ 35 आता है 3 डेज के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट और अगला करेंगे, नेक्स्ट और अगला सुपर सल्फेटेड सीमेंट नौवा, सुपर सल्फेटेड सीमेंट, सुपर सल्फेटेड सीमेंट हम नौवा कर लेंगे। इसका आईएस कोड लिख लेंगे 6409-1990, 6409-1990 हमारा क्या इंडियन स्टैंडर्ड कोड हो गया, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड कोड हो गया हमारा, ठीक है। आइए इसको देख लेते हैं इसका कितना स्ट्रेंथ होता है कंप्रेसिव। तो इसका हमारा होता है, इसका 15 हो जाएगा, इसका 22 हो जाएगा और इसका 30 हो जाएगा, ठीक है। किसका सुपर सल्फेटेड सीमेंट का, सुपर सल्फेटेड सीमेंट का इतना हमारा हो जाएगा, ठीक है। 15, 22, 30 मतलब 15 3 डेज के अंदर, 7 डेज के अंदर 22 और 30, 28 डेज के अंदर हमारा आ जाएगा, ठीक है। अगला चलिए देखते हैं, दसवा करते हैं। ये पूछ लेता है इसलिए इसको कुछ इम्पोर्टेंट जो सीमेंट है उसको राइट डाउन करवा दे रहा है। आगे लिख लेंगे दसवां, लो हीट सीमेंट, दसवां लिख लेंगे लो हीट सीमेंट। ये हमारा क्या हो जाएगा लो हीट सीमेंट आ जाएगा। इसका आईएस कोड लिख लेंगे 12619-89, 12619-89 ये हमारा आईएस कोड हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आईएस कोड हो जाएगा 12619-89। इसके अंतर्गत क्या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं, ठीक है, जो कितना होता है आइए देख लेते हैं। दस 16 और 35 होता हमारा, ठीक है। आइए इसको हम देख लिए, ठीक है। 10, 16, 35 हमारा लो हीट सीमेंट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। नेक्स्ट चलेंगे अगला मेसोनरी सीमेंट 11th,
मैसोनरी सीमेंट हमारा ये लिख लीजिए, हो जाएगा मैसोनरी सीमेंट। इसका आईएस कोड ये लिख लेते हैं 34661988, 34661988 ये हमारा आईएस कोड हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आईएस कोड हो जाएगा लुइट, ये क्या नाम है, सॉरी मैसनरी सीमेंट का आईएस कोड 34661988 हमारा हो जाएगा, ठीक है। आइए देख लेते हैं इसका कितना स्ट्रेंथ आता है। इसका आता है 2.5 और इसमें 5 आता है, और इसका 3 डेज का सिम नहीं हमारा आता है, ठीक है, इसका हमारा नहीं आ पाता है, 3 डेज, 7 डेज, 20 डेज, ठीक है, 3 डेज 7 डेज 28 डेज। उसका 2.5 आता है 7 डे में और 28 डे में 5 आता है, क्यों, क्योंकि ये मेसनरी सीमेंट होता है, ठीक है, क्योंकि ये मेसनरी सीमेंट होता है, ठीक है। अगला देख लेंगे नेक्स्ट, हमारा 12th जो हो जाएगा आई आर एस टी फोर्टी सीमेंट हमारा हो जाएगा, जो रेलवे इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम इसको लेते हैं, ठीक है। इसका कोड देखिए यही हो गया है, रेलवे इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इसको लेते हैं, ठीक है। और इसका स्ट्रेंथ आइए देख लेते हैं कितना है, 37.5 इसका स्ट्रेंथ हमारा हो गया, ठीक है, इसका स्ट्रेंथ हो गया। और इसका हम वो कर लेते हैं, मतलब ये 3 डे और 28 डेज में नहीं लेते हैं, IRTS T40 7 डेज में अपना स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 37.5 हमारा हो जाएगा, ठीक है, कितना जाएगा 37.5 हमारा हो जाएगा, ये लिख लीजिए 37.5। इसके बाद रफ करते हैं और अगला चलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट जो आप लोग को बताया था मैं, ठीक है, कर लिए, चलिए आगे चलते हैं। कोई किसी तरह का डाउट होगा तुरंत आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, तुरंत आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट जो सेकंड वाला जो मैं लिखवाया था, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, TST टेस्ट, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, इसको हिंदी में हम तनन सामर्थ्य परीक्षण के नाम से जानते हैं, तनन सामर्थ्य परीक्षण के नाम से जानते हैं, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट तनन सामर्थ्य परीक्षण के नाम से इसको हम जानते हैं, ठीक है। आइए चलते हैं देख लेते हैं इसको, इसको आप लिख लीजिए, इसका
टेंसाइल स्ट्रेंथ का डायरेक्ट टेस्ट कोई अवेलेबल नहीं है। पहला पॉइंट लिख लीजिए, डायरेक्ट टेस्ट अवेलेबल नहीं है। इसका कोई डायरेक्ट टेस्ट अवेलेबल नहीं है, ठीक है, लिख लीजिए। इसके अंदर लिख लीजिए सीमेंट की टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालने का डायरेक्ट कोई टेस्ट अवेलेबल नहीं है, जो कि मैं लिख दिया हूँ, डायरेक्ट टेस्ट कोई अवेलेबल नहीं है, ठीक है। फिर भी इसको हम इनडायरेक्टली माध्यम से करते हैं, आइए देख लेते हैं कौन सा मेथड से करते हैं। डिक्यूट करते हैं, ब्रिक्यूट मेथड TH, ब्रिक्यूट मेथड से क्या करते हैं, इनडायरेक्टली हम करते हैं। इनडायरेक्टली करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाएगा, इनडायरेक्टली इसको हम करते हैं, इनडायरेक्टली टेस्ट हम इसको करते हैं, क्या ब्रिक्यूट मेथड से, जो हमारा सेकेंड पॉइंट हो जाएगा। ब्रिक्यूट मेथड से इसको हम करते हैं, इसको हिंदी में लिखना मत लिखिएगा, बिक्रेट इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बिक्रेट, ब्रिकेट ये होता है, ब्रिकेट विधि, इसको हिंदी में हम बोलते हैं ब्रिकेट विधि। ब्रिकेट विधि से इसको हम करते हैं, जो कि इनडायरेक्टली मेथड है, क्या है, इनडायरेक्टली टेस्ट है, इनडायरेक्टली मेथड है, इनडायरेक्टली मेथड हमारा है, इनडायरेक्टली मेथड हमारा है, ठीक है। ब्रिक्यूट मेथड से इसको हम करते हैं, ठीक है। इसका कितना मिक्स रेशियो लेते हैं, आइए इसको भी देख लेते हैं, 1/3 इसका भी लेते हैं, तो इसको करना ज़रूरी है, थोड़ा सा यहाँ पर इस पर आप लोग लिख लीजिए, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इसका रेशियो कितना लेते हैं, रेशियो 1:3 लेते हैं, मतलब 1/3 सैंड लेते हैं, ठीक है, 1/3 सैंड लेते हैं, ठीक है। इसका वाटर कैसे निकालते हैं, वाटर इसका निकालते हैं हम P/ इसका हम जो वाटर निकालते हैं P/5 प्लस 2.5, ठीक है, इसको हम क्या परसेंटेज में निकालते हैं, ठीक है, क्या होता है, ये हमारा वाटर होता है, वाटर होता है, जो कि पी हमारा क्या होता है, जो कि हमारा पी स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी होता है, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी,
स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी हमारा पी होता है, ठीक है। पी इसमें हमारा क्या हो गया, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी हमारा हो गया। मतलब और सबका तो नहीं, मतलब इसका ओपीसी भाई ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है, तो इसका क्या करेंगे हम, लिख लेंगे टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट इसका कितना होता है, किसका, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का क्या करेंगे हम, लिख लेंगे, ठीक है। इसको हम लिख लेंगे कि ओपीसी का, इसको हिंदी में कहते हैं जानते हैं साधारण पोर्टलैंड सीमेंट, मैं लिखा भी था एक बार, ठीक है, लिख दूं साधारण पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट सीमेंट ये होता हमारा हिंदी में, तो इसका 7 डेज के अंदर कितना, 3 डेज के अंदर पहले लिखते हैं, 3 डेज के अंदर कितना हो जाएगा हमारा, 7 डेज के अंदर कितना हो जाएगा हमारा, और 28 डेज के अंदर कितना हो जाएगा, क्या हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब 3 डेज 7 डेज और 28 डेज के अंदर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा और हमारा 4.5 हो जाएगा, यहाँ पर इतना इतना मतलब इसका टेस्ट होता है, ठीक है। 3 दिन के अंदर इसका 2 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, फिर 7 डेज, फिर 28 डेज, यूनिट आप इसका आप जानते ही है, ठीक है, 4.5 यूनिट जानते हैं, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है, ठीक है, तो इसका इसमें भी हो जाएगा न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, मतलब दोनों का इतना ही हम लेते हैं, इसमें एक चीज़ और हम लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, नोट में लिख लेंगे, नोट में कि टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट का, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट की सीमेंट के अंदर 10% ही होता है, कितना होता हमारा 10% होती है, ठीक है। 10% किसका होगा, ये कंक्रीट का होगा, इसमें लिख लेंगे 10% कंक्रीट लगभग, ठीक है, लगभग हमारा 10% कंक्रीट का टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट होता है, ठीक है, TST, ठीक है, TST हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट इसका होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ TST 10% कंक्रीट का लगभग होता है, ठीक है, कंक्रीट का लगभग 10% होता है हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। अब इसमें आगे देख लेंगे, इसको रफ कर दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना तो आप लोग ले लीजिए, ठीक है, और आगे बताते हैं। ठीक है, इसमें लिख लेंगे एक चीज़, मैं बोल दे रहा हूँ,
ठीक है, इसमें लिख लीजिए, सीमेंट मसाले व सीमेंट कंक्रीट के सभी कार्यों में, सीमेंट मसाले व सीमेंट कंक्रीट के सभी कार्यों में, सीमेंट मसाले व सीमेंट कंक्रीट के सभी कार्यों में तनन सामर्थ्य को शून्य माना जाता है, यानी टेंसाइल स्ट्रेंथ को शून्य माना जाता है। क्या माना जाता है? शून्य, जीरो माना जाता है। ठीक है, किसके लिए? जो सीमेंट मोर्टार हमारा हो गया, सीमेंट मोर्टार हो गया हमारा, ठीक है, तो सीमेंट मोर्टार में कितना हमारा होता है? टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है? नहीं होता, ना के बराबर होता है, इसलिए इसको क्या करते हैं? हम शून्य मानते हैं। ठीक है, इसको हम शून्य मानते हैं। ठीक है, और सीमेंट कंक्रीट में भी इसका क्या होता है? शून्य ही माना जाता है इसको, सीमेंट कंक्रीट में क्या होगा हमारा? शून्य इसको मानते हैं, शून्य माना जाता है। ठीक है, इसका जो वैल्यू होती है, ठीक है, सीमेंट मसाले व सीमेंट कंक्रीट के सभी कार्यों में तनन सामर्थ्य को शून्य माना जाता है, अतः सीमेंट के तनन परीक्षण का कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, ये हमारा, अतः सीमेंट के तनन परीक्षण का कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, लगभग शून्य माना जाता है कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट को और सीमेंट मोर्टार को, इसके अंदर जो होता है, ठीक है, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ को क्या मानते हैं? शून्य मानते हैं। अतः सीमेंट के तनन सामर्थ्य, अतः सीमेंट के तनन सामर्थ्य, अतः सीमेंट के तनन सामर्थ्य परीक्षण का कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, यानी टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट का कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, अतः सीमेंट के तनन परीक्षण का कोई औचित्य नहीं है। इसी आधार पर सीमेंट के तनन सामर्थ्य परीक्षण का कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, कोई औचित्य हमारा नहीं है। ठीक है, अतः इसी आधार पर भारतीय आईएएस मानक संस्थान ने इस परीक्षण को अनावश्यक घोषित कर दिया है। क्या घोषित कर दिया है? अनावश्यक। ठीक है, इसको क्या घोषित कर दिया? इंडियन स्टैंडर्ड भारतीय मानक संस्था क्या अनावश्यक घोषित कर दिया। ठीक है, मतलब ये अनावश्यक है। क्या है? अनावश्यक है। कौन घोषित किया है? आईएएस ने हमारा किया है। ठीक है, आईएएस यानी इंडियन स्टैंडर्ड क्या कर दिया हमारा? अनावश्यक घोषित कर दिया टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट को। ठीक है, क्या घोषित कर दिया है? अनावश्यक। ठीक है, इसको हम कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं भारतीय मानक संस्थान, भारतीय मानक संस्थान इसको हम कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड भारतीय मानक संस्थान। इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट क्या कर दिया इसको? भारत मानक संस्थान अनावश्यक घोषित कर दिया इस टेस्ट को। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट को क्या कर दिया? अनावश्यक घोषित कर दिया हमारा। ठीक है, इसलिए टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट को उतना हम महत्व नहीं देते हैं। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं? महत्व नहीं देते हैं इसका। एक वो भी डायरेक्टली कोई टेस्ट भी नहीं है। ठीक है, इसका डायरेक्टली कोई टेस्ट भी नहीं है। वही एक टेस्ट है जो ब्रिटिक है, जो है कि ब्रिकेट है, ब्रिकेट, वही इसका इनडायरेक्टली वो भी टेस्ट,
इनडायरेक्टली मेथड से क्या इसको हम करते हैं, ठीक है। उसमें देखेंगे आप तो इस तरह का मतलब उसमें सेप बनाते हैं, डमरू की आकार का उसमें सेप हम इस तरह का बनाते हैं, ठीक है। और इसको क्या करते हैं, इसको मशीन के अंदर क्या करते हैं, वो कर लेते हैं, इसको मशीन के अंदर इसको वो कर लेते हैं हम, ठीक है। इस तरह हो जाता है। और क्या करते हैं, इसको इधर से इस साइड के क्या करते हैं, इस साइड खींचते हैं, ठीक है, टेंशन लगाते हैं इस साइड, और नीचे के साइड भी हम इसमें टेंशन लगाते हैं, ठीक है, और खींचते हैं। ये जो है जब खींचते हैं तो क्या करता है, ये टूट जाता है, और जहाँ टूटता है उसको ये हम टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह इसका होता है हमारा, जो बताया ना ब्रिकेट है, जो ब्रिकेट हमारा होता है इस तरह से टेस्ट हमारा करता है, मतलब क्या करते हैं, दोनों तरफ से खींचते हैं, जहाँ टूट जाता है वहाँ हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट निकल के आ जाता है। इसका कोई औचित्य नहीं है, हमें बता ही दिया इंडियन स्टैंडर्ड ने, मान लिया इस बात को, ठीक है ना, इंडियन स्टैंडर्ड ने मान लिया जब हमारा, तो और फिर कोई बात करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप लोग को मैं ऐसा करता हूँ कि समझ में आया होगा बहुत बढ़िया से, अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा कि ये चीज़ समझ में नहीं आया, तुरंत आपको रिप्लाई किया जाएगा जो चीज़ समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। और इसको बढ़िया से देखिए, एक बार में नहीं समझ में आ रहा, दो बार में देखिए, मगर हमको उम्मीद जहाँ तक है कि आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। और थोड़ा अब नया मतलब कोचिंग संस्थान हमारा है टेक्निकल गुरु इंजीनियर क्लासेस, ठीक है, तो इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको थोड़ा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, ठीक है, ताकि एक मोटिवेशन मिले, ठीक है। और बढ़िया से जो कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ आपको देने की कोशिश किया जाए, ठीक है, भरपूर मात्रा में, ठीक है। और YouTube पे आप ऐसे ही निःशुल्क में आप पढ़ेंगे, पूरा सिलेबस अपना पढ़ेंगे, ठीक है। और एक और सूचना मैं बता दे रहा हूँ, जो लोग ऑफलाइन में पढ़ना चाहते हैं, जो स्टूडेंट मतलब ऑफलाइन में पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो ऑफलाइन में भी आके पढ़ सकते हैं, ठीक है, ऑफलाइन में आके पढ़ सकते हैं, ठीक है, ऑफलाइन में आके वो स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये इलाहाबाद में मतलब प्रयागराज में स्टार्ट जो में की कोचिंग है हमारी, ठीक है, ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज सलोरी, ठीक है, उसके जस्ट सामने है, ठीक है, SBI ATM के बगल में, ठीक है। तो आप यहाँ पे आके ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं, कोई भी डाउट एनीवन किसी तरह का हो पूछ सकते हैं। और आप लोग YouTube पे अगर देख रहे हैं इसको, ठीक है, और समझ में नहीं आ रहा तो डाउट अपना जो कि कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, YouTube पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, कल आप अगला टेस्ट करेंगे, ठीक है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।